कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रोजाना देश में हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। कई शोधों में इस बात का दावा किया जा चुका है कि मास्क पहनने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है। WHO ने एक वीडियो जारी कर यह बताया कि मास्क पहनते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर इस समय देखा जा रहा है कि इस समय बहुत से लोग मास्क पहनने में काफी गलतियां कर रहे हैं। इन गलतियों की वजह से संक्रमण का खतरा काफी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं आखिर वो गलतियां क्या हैं। सबसे पहली गलती, ढीला मास्क। मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि मास्क व्यक्ति के चेहरे से चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि ऊपर नीचे या किसी भी जगह से वायरस उसकी नाक और मुंह में प्रवेश न कर सके। लेकिन कई लोग ढीला मास्क पहन रहे हैं। दूसरी बड़ी गलती, नाक के नीचे मास्क पहनना। हम नाक से ही सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसलिए मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि आपका नाक और मुंह दोनों ढके होने चाहिए। लेकिन कई लोग सुविधा को देखते हुए मास्क को पहनते समय अपनी नाक बाहर निकाल लेते हैं, जो कि बेहद गलत है। बात करने के लिए मास्क उतारना। देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से बात करते समय मास्क को चेहरे से हटा देते हैं, जो कोरोना के संक्रमण को फैलने में मदद कर सकता है। ऐसा करने से भी बचें। मास्क को बार बार छूना। यह गलती 99% लोग करते हुए दिख रहे हैं। लोग मास्क पहनने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में उसे उतारते और पहनते हैं, जो गलत आदतें हैं। ऐसा करने से आप मास्क पहनने का मकसद पूरा नहीं करते हैं। और सबसे कॉमन गलती, मास्क की अदला बदली। यह गलती एक परिवार में रहने वाले सदस्यों को करते देखा जा रहा है। एक ही परिवार में रहने वाले सदस्य बाहर जाते समय एक दूसरे से मास्क भी शेयर कर रहे हैं, जो कि गलत आदत है। याद रखें, कोरोना वायरस के 50% से ज्यादा मामलों में व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, वो बाहर से स्वस्थ नजर आता है। ऐसे में मास्क की अदला बदली वायरस के फैलने का कारण बन सकती है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर मास्क पहनते हैं तो वायरस से बचने में सफल हो सकते हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।